सोमवार रात को भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो हुआ उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। भारत के वीर सपूतों ने लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संख्या में कम होने के बावजूद भी हमारे वीर जवानों का हौसला नहीं टूटा और उन्होंने अपने से चार गुना ज़्यादा चीनी सैनिकों से दो दो हाथ किए और कम होने के बावजूद भी अपने से दो गुना चीनी सैनिकों को मार गिराया। भारतीय सैनिकों के परिवारों ने अपने बेटे, भाई, पति और पिता को खोया है। उनका दुख दर्द तो हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमें गर्व है उन सैनिकों पर जो दुश्मनों की सेना से चार गुना कम संख्या में होने के बावजूद भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े और अपने प्राण न्यौछावर किए। जब चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई, उसके बाद चीन ने ये कहा कि भारतीयों ने पहले उनके सैनिकों को उकसाया था, इसके बाद चीन ने उन पर हमला किया। लेकिन जांच के बाद ये सामने आया कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया और वो उनकी संख्या से चार गुना ज़्यादा थे और चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों का पता लगाने के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। लेकिन धन्य है भारत भूमि के वीर जवान जिन्होंने संख्या में कम होने के बावजूद भी अपने से दोगुने चीनी सैनिकों को मार गिराया। भारतीय सेना की माने तो सैनिक उस जगह पर सिर्फ ये जांच करने के लिए गए थे कि चीन डी एक्सलेशन समझौते का पालन कर रहा है या नहीं, और इसी बीच चीनी सैनिकों ने उन पर हमला बोल दिया और धारदार और कांटेदार हथियारों से हमला किया। लेकिन हमारे जवानों के हौसले पस्त नहीं हुए और उन्होंने अपने हौसले से चीनी सैनिकों का सामना किया और अपने से दोगुना चीनी सैनिकों का खात्मा किया। रिपोर्ट्स की माने तो अब तक 20 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आई है, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि भारतीय सेना के कई जवान बुरी तरीके से गंभीर हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।